सत श्री अकाल, तुसीं सुन रहे हो न्यूजीलैंड का नंबर 1 पंजाबी रेडियो, साडे वाला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधू, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल की जिम्मेवारी लैण वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पटियाला हाउस ने पंजाब पुलिस नूं एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दिता है। ट्रांजिट रिमांड मिलने मगरों पंजाब पुलिस उसनू लेके पंजाब रवाना हो गई सी, और इस तो बाद उसनू अज मानसा अदालत विच पेश कीता जाएगा। पंजाब पुलिस उसका अज रिमांड हासिल करेगी। दस दिए कि दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट च लॉरेंस नू पेश कीता। कोर्ट ने पंजाब पुलिस नू बिश्नोई नू गिरफ्तार करन दी मंजूरी दे दित्ती सी। पंजाब पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड मंगया सी। दस दिए कि बिश्नोई दे वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बिश्नोई नू पंजाब च जान का खतरा है, जेकर लॉरेंस नू पंजाब लिया गया तो उसका फेक एनकाउंटर भी हो सकता है। विशाल चोपड़ा ने कोर्ट नू दस्या कि दिल्ली की मकोका कोर्ट विच भी ट्रायल पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वालों बिश्नोई नू पंजाब लिजाण ते लगाए गए स्टे का हवाला भी कोर्ट देंदे हुए ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया गया। दस दें कि सिद्धू मूसेवाल का कतल पिंड जवारके च दिन दिहाड़े अन्ने वाग गोलियां मार के कर दिता गया सी, जिस तों बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस कतल की जिम्मेवारी ली सी। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस दे दो गुर्गियां नू गिरफ्तार किया है। ये दोवें कनेडा च बैठे लॉरेंस गैंग दे गैंगस्टर गोल्डी ब्राड दे टच विच सी, और मोहाली पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दे नाल मिल के एक कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए गुर्गे गगनदीप सिंह उर्फ गगी और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है। दोनों हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाल के पिंड किंगरा दे रहने वाले ने। इन्हों तो 32 कैलीबर पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस ते स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। दोनों ते मोहाली थाना बलौंगी च आर्म्स एक्ट तहत केस दर्ज कर लिया गया, और पंजाब ते राजस्थान च इह हथियारां दी स्मगलिंग करदे सी। अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे म्यूजियम दे विच पंजाब दे साबका सीएम बेअंत सिंह दी कतल करन वाले दिलावर सिंह बब्बर दी तस्वीर लगाई गई है। सिखां दी सब तो वड्डी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों इह तस्वीर मंगलवार को म्यूजियम दे विच लगाई गई। SGPC दे इस फैसले ते विभाग भी खड़ा हो गया। सिख रेडिकल ग्रुप ने जिथे तस्वीर लुकाउण दा समर्थन किया, उत्थे हिंदू संगठनां ने इस नूं गलत दस्या है। पंजाब पुलिस विच तैनात दिलावर सिंह बब्बर ने 31 अगस्त 1995 नूं ह्यूमन बंब बना के पंजाब दे उस वेले तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह नूं उन्हां दी बुलेट प्रूफ कार समेत उड़ा दित्ता सी, जिस विच दिलावर सिंह दी वी मौत हो गई सी ते 16 लोकां दी जान चली गई सी। जिस बाद दिलावर सिंह बब्बर नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों कौमी शहीद दा दर्जा भी दित्ता गया है। पंजाब दे बरनाला च ट्राइटन ग्रुप च करोड़ां दा कपला करन दा मामला सामने आया। कंपनी दे साबका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हरविंदर सिंह गिल ने 16 अप्रैल 2019 तो 17 फरवरी 2020 दे विचकार 8 करोड़ गबन दा कीता। इसका पता कंपनी वालों कराए गए ऑडिट दे विच लग्या। ऑडिट च पता लग्या कि कुल 185 ट्रांजैक्शन च 8 करोड़ रुपए तो ज़्यादा राशि हरविंदर ने अपने खाते च ऑनलाइन नैट बैंकिंग के माध्यम तो ट्रांसफर की है। हालांकि वह केवल ट्रांजैक्शन मेकर के रूप च ही अधिकारिक सी। फिर उसने धोखाधड़ी नाल भारतीय स्टेट बैंक और रुलेवाला शाखा GT रोड से लुधियाना कंपनी के खाते का वन टाइम पासवर्ड भी अपने मोबाइल के विच कर लिया। पंजाब दे लुधियाना च 12 दिन पहला एक कंपनी दे कर्मचारी नू गोली मार के बदमाशां ने 3 लाख रुपए लुट लिया सी। एक बदमाश एक्टिवा ते 2 बदमाश बाइक ते सवार सन। जख्मी हुए व्यक्ति ने बदमाशां दा पिछा भी किया, पर बदमाश उसके हाथ नहीं आए। लुधियाना पुलिस ने इस वारदात नू सुलझा लिया ते इस मामले विच 5 लोगों नू गिरफ्तार किया गया। पंजाब च संगरूर लोक सभा सीटा ते हो रहे उप चोणां च आम आदमी पार्टी दे MLA दा कॉन्फिडेंस खूब चर्चा विच है। अटारी तो आप विधायक जसविंदर सिंह ने कहा कि जो मूसेवाला खुद इन्नी बुरी तरह हार गया सी, उसके नाम ते कांग्रेस की कर लवेगी। रिटायर्ड ADC जसविंदर सिंह ने पूछा गया कांग्रेस मूसेवाला दा नाम इस्तेमाल कर रही है, पर उन्होंने जवाब दिता है। उन्होंने इन्ना जरूर कहा कि मूसेवाला च
तो मेरा कोई भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उस तो कुछ नहीं होगा। आप नेता की टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि मूसेवाला की हत्या तो बाद पंजाब की नौजवान पीढ़ी आप सरकार तो नाराज है। मान सरकार ने सिक्योरिटी घटाने के अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया। देश की पहली महिला IPS अधिकारी पांडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी सिखा से की टिप्पणी लैके सोशल मीडिया से बुरी तरह करती नजर आ रही है। यह टिप्पणी किरण बेदी ने किताब फेयरलैस गवर्नेंस की रिलीज दौरान की। उन्होंने एक समागम दौरान किताब रिलीज करने तो पहला कोई सरदार जी नहीं है 12:20 पै रहे थे। एक जेंटलमैन सरदार ने उन्होंने वालों की इस टिप्पणी लैके सिख भाईचारे भारी रोस पाया जा रहा है। इस दरमियान पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किरण बेदी की इस टिप्पणी लैके ट्वीट किया। राजा वड़िंग ने कहा किसी भाईचारे का मजाक उड़ाना शर्मनाक है, वह भी उदो जो तुम खुद पंजाबी होवो। उन्होंने कहा कि किरण बेदी को सिख भाईचारे की भावना ठेस पहुंचाने लिए माफी मंगनी चाहिए, नहीं तो असं समझांगे कि भाजपा ने विशेष काम अपने नेतावां नूं दिता है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी सरकार ते पंजाब पुलिस हुण फूक फूक के कदम रख रही है। जलंधर में सरकारी वॉल्वो बसों को दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की शुरुआत करने लिए 15 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड चो होने वाले समागम लैके उसके नेड़ले इलाके होने वाले कारोबारियों ते होर लोगों के लाइसेंसी हथियार ने जमा करने शुरू कर दिते ने। हथियार जमा करवाण पिछे मुख्यमंत्री दी सुरक्षा दा हवाला दिता जा रहा है। उधर 4 दिन तो थाना नंबर 6 पुलिस लगभग 70% हथियार जमा करवा चुकी है। उत्थे ही प्रशासन वालों इस बारे कोई भी लिखती हुक्म जारी नहीं किया गया सी। रामा मंडी सुपर मार्केट च दुकानदारां दी पानी दे कैंपर नूं लैके आपसी लड़ाई हो गई और इस दौरान गोलियां मार के एक नौजवान का कतल वी कर दिता गया। फिलहाल मौके ते पुलिस पहुंच गई है जिस तों बाद लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। मानसा च पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कतल तों बाद लोगों दे विच डर दा माहौल बनिया होया। पंजाबी गायक मूसेवाले दे कतल तों बाद शहर दे दुकानदारां नूं कुछ नंबरां तों फोन आ रहे ने जिस विच दुकानदारां तों फरौती दी मंग की जा रही है। उन्हां नूं व्हाट्सएप ते वीडियो बना के कहा जा रहा है कि जेकर तुसीं पैसे ना दित्ते तां सिद्धू मूसेवाला वांग गोली मार के उन्हां दा कतल कर दित्ता जाएगा, जिस करके शहर दे समाज सेवी दुकानदारां ने उन्हां दे नाल मीटिंग की है। इस दे नाल ही सिद्धू मूसेवाले दे कतल कांड तों बाद संगरूर लोक सभा चोणां नूं लैके आम आदमी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिता। पार्टी वालों चोण प्रचार दीआं 6 कैबिनेट मंत्री तैनात किए गए हैं। मंत्रियों के नाल नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संगरूर सीट फतेह करने की रणनीति का काम शुरू करता। भगवंत मान ने 2019 लोकसभा सीट 1,00,000 वोटां दे फर्क दे नाल जीती सी, जिस तों बाद हुण फिर तो इस सीट नूं जितण दे लई आम आदमी पार्टी अड्डी चोटी दा जोर लगाउंदी होई नजर आ रही है। फिलहाल इस हुण तक दीआं खबरां, नवीआं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुणदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडे दा रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।